नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिहार शिक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन का गणित विषय का क्लास 9 से 10 के शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वर्कबुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और इस बुक में आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पेपर दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका होगा मैथ्स का, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, और दूसरा पार्ट होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे शामिल होंगे, और एक आपका पेपर जो पेपर आप चुनेंगे, जैसे मैथ्स आपने लिया है तो मैथ्स का केवल क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, 9 और 10 से रिलेटेड। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आपको 295 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। 295 रुपये MRP है दोस्तों, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। बुक का कोड आप देखेंगे तो 43019 है, और नंबर ऑफ पेज अगर आप देखेंगे तो 320 आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस बुक के अंदर बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बुक बहुत ही ज्यादा शानदार है, प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों। इस बुक में आपको BBSE बिहार शिक्षा के लिए गणित विषय के 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से NCERT और SCERT के नए पैटर्न पर आधारित है। बुक का MRP 295, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे पहले विषय सूची में आपको टीचर कैसे बने, मतलब 9 और 10 के टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो बताया गया। उसके बाद NCERT और SCERT के MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट। सेट 1 में आपको गणित और सेट 2 में आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिलने वाला है। 15 सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। बुक दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां बताया गया दोस्तों कि क्या सिलेबस है आपका, क्या क्या आपको पढ़ना है क्लास 9 और 10 में। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस बुक में आप परचेज करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि NCERT में क्या कॉमन है, SCERT में क्या कॉमन है, दोनों कॉमन है, दोनों को मिला के इस बुक को तैयार किया गया। बहुत ही शानदार तरीके से सारा कुछ आपको बताया गया। अब दोस्तों आप देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 9 और 10 के आपको MCQ क्वेश्चन, यहाँ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्लास 9 के मैथ्स को फॉलो किया गया, कवर किया गया, जिसमें संख्या पद्धति के बारे में आपको बता दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिवीजन आपको करना है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर की देखने को मिलेंगे, फिर अगला उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको रिवीजन पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सारे टॉपिक उसी तरह से कवर किया गया, सबसे पहले आपको रिवाइज करवा दिया गया है, फिर उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से आप क्लास 9 और 10 दोनों को कवर कर लीजिएगा पूरे एक्सरसाइज को, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, मैं चलता हूँ क्लास 10 की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से क्लास 10 शुरू होता है। सबसे पहले वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है, उसके बारे में रिवीजन पॉइंट है, फिर उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन, आंसर की। तो इस तरह से आपको आगे भी क्रम चालू रहेगा और पूरे 9 और 10 के मैथ्स को कवर कर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इससे बुक से आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, साथ में आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखिएगा। तो इस बुक को परचेज करने से फायदा ये होगा कि आप रियल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप प्रैक्टिस कर पाएंगे शानदार तरीके से, और इस एग्जाम को निकालने में आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे जो क्वेश्चन का लेबल है वो आपके एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है, सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, और प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी इस बुक का काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 9 और 10 दोनों क्लास को यहाँ कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से, और जिस तरह से आपका पेपर पूछा जाएगा उस तरह से ये पेपर इन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से आपको करना होगा तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है। अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भाग 2, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ भी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जीके जीएस के भी क्वेश्चन दिखेंगे। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिल गया, ये मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिल गया, ये जीके का क्वेश्चन देखने को मिल गया, साइंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब सारा कुछ। जैसे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो सारा कुछ यहाँ कवर किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद आपको दोस्तों आंसर की देखने को मिलेगा, आंसर की के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस बुक के अंदर। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर बताया गया है। ठीक है ना, बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा।
बुक दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 120 क्वेश्चन को कवर किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर 120 क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों सॉल्यूशन भी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कितने पॉइंट में सॉल्यूशन को बताया गया है। हर जगह 203 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स वाले अगर सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें, जो 80 क्वेश्चन है मैथ्स का, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से आपको सॉल्यूशन समझाया गया, ताकि आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस बुक में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया, आसान भाषा में समझाया गया है। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बुक को आप परचेज कीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है। इसी तरह से मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आपको देखने को मिलेगा, 80 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे मैथ्स के। सबसे पहले पेपर 1 में आपको मैथ्स के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा कुछ है, मिक्स आपको देखने को मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है, गणित का, ठीक है। और बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस बुक को आप परचेज कीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बुक को आप लीजिए, ठीक है। तो बिहार शिक्षा के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, और इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान विषय का गाइड भी देखने को मिलेगा। आने वाले समय में सारे सब्जेक्ट का गाइड आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और यहाँ पे सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है इस बुक के अंदर। टोटल मैंने बता दिया 318 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, इस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा दिए गए लिंक से, ठीक है ना। बुक बहुत ही शानदार है, आपके एग्जाम के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।